हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे, अच्छे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे? कि मैं 3-4 दिन के बाद आ चुकी हूँ और आज मैं अपनी वीडियो डालूँगी। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और जो वीडियो डाली थी आप लोगों ने प्यार ही नहीं दिया। तो आज मेरी वीडियो है अमरूद के प्लांट की, और छोटी सी वीडियो डालूँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं डालूँगी क्योंकि थकावट बहुत लग रही है। और इतने दिनों के बाद आई हूँ, अपने पौधों को बहुत याद आ रही थी। चलिए दिखाती हूँ अमरूद का प्लांट अपना। आप लोग देख लीजिए मेरे गार्डन की तरफ से, मतलब कोई नहीं था घर में, हम ताला लगा के सब लोग चले गए थे। तो मैंने अपनी बहन को कहा था कि 2 दिन में एक दिन मेरे पौधों में पानी डाल देना, तो उसी ने डाला है। और आप लोग देखिए मेरे इस प्लांट को, कितना गजब से फ्लावर इसमें खिल रहे हैं, और बहुत ही सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। और बहुत ऐसा लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना गार्डन भी देख रही हूँ। देखिए हम इधर उधर कहीं चले जाते हैं तो पौधों की केयर अच्छे से नहीं हो पाती है, और पौधों की केयर करने के लिए हमें हमेशा रहना ही पड़ता है। एक दिन की ठंडी में तो ठीक है, हमें 1-2 दिन के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में कहीं नहीं जा सकते, बहुत दिक्कत हो जाती है। चलिए दिखाती हूँ अपना अमरूद का प्लांट। ये देखिए, अब अपने आ गई हूँ, अब अपने गार्डन की सफाई भी करूँगी, और सफाई के होने के साथ साथ इनको सब सेट से रखूँगी। उससे ज़्यादा मालूम नहीं था, देखिए कितना पानी भर दिया कैक्टस में, ये मेरा प्लांट ख़राब हो जाएगा शायद, किसी के छोटे छोटे पौधों में ज़्यादा डाल दिया। देख सकते फ्रेंड, ये रहा मेरा अमरूद का प्लांट, और ये अमरूद का प्लांट मैंने 30 रुपये में नर्सरी से लिया हुआ था। तो इसमें फ्लावर बहुत आए थे, इतने फ्लावर आए थे कि पूछो ना। लेकिन मेरी मिट्टी में कुछ कमी होने के कारण जितने इसमें फ्लावर लगे हुए थे सारे गिर गए हैं। फिर मैंने इसकी गुड़ाई करी, और गुड़ाई करने के बाद इसमें गोबर की खाद और चाय पत्ती डाला, और गोबर की खाद जैसे ही मैंने डाला तो सिर्फ एक ही मेरा बच गया फूल, और एक ही फूल जब बचा तो आप लोग फल का साइज देख सकते हैं, मेरे इसका फल का साइज कितना बड़ा हो चुका है। लेकिन अभी ये पका नहीं है, और इसका फल का साइज आप देखें। तो अगर मेरे जितने इसमें इतने सारे फ्लावर आए थे, अगर सारे फ्लावर मेरे टूट के नहीं गिरते तो समझ लो मेरे कितने सारे फल लग जाते। लेकिन अफसोस है कि हमें इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करते रहना चाहिए, और चेक करते रहना चाहिए हमारे प्लांट में कौन सी चीज़ की कमी है। तो प्रॉपर हमें हर चीज़ अपने प्लांट को देना चाहिए, ताकि हमारे जो भी प्लांट की ग्रोथ है, फल फूल है, वो बराबर उसी तरह लगते जाएँ। इसीलिए कहते हैं कि प्लांट में जैसे ही फ्लावर लगते हैं और कलियां बनती खिलने के लिए, फिर सूख करके गिर जाती हैं, तो रीज़न यही होता है, हमारी मिट्टी में कुछ ना कुछ कमी होती है, इसलिए वो टूट के गिर जाते हैं। तो जैसे हम अपने शरीर से बात करें, अगर हमारे शरीर में शक्ति नहीं होगी तो हमें अच्छे से चल फिर नहीं सकते, ना ही कोई वर्क कर सकते, हमें कमज़ोरी से महसूस होती रहेगी। इसी तरह हमारे प्लांट है, अगर हम इनको खाने पीने की चीज़ें बराबर नहीं देंगे तो जो इनके फल लगेंगे, फूल वाले होंगे, उनकी कलियां ही बनेंगी और गिर जाएंगी। फल वाले होंगे तो उनके फल भी बनेंगे लेकिन टूट के गिर जाएंगे। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन आप देखिए कितना सुंदर सा एक फल लगा हुआ है। तो मुझे यकीन हो गया है कि मेरे इस अमरूद के प्लांट का फल का साइज यानी काफ़ी बड़ा होगा, अभी छोटा है, अभी ये और बड़ा होगा। जब ये पकेगा तो मैं आप लोगों को तोड़ के और काट के दिखाऊंगी इसका कलर कैसा आता है। ये व्हाइट है कि रेड है, एक मेरे पास ये है, एक छोटा सा मेरा ये लगा हुआ है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो में बताइएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगी कल नई वीडियो लेकर के और बड़ी जानकारी के साथ। आज के इतना ही, क्योंकि मेरा गला सही नहीं है, खराश मेरे गले में बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, लव माय गार्डन, लव माय फ्रेंड। और आज मैं आ चुकी हूँ, और आते ही अपने पौधों से पहले मिलने आई हूँ, फिर बाद में मैंने नहाया धोया है, क्योंकि कहीं चले जाओ तो ये अपने आप को पता नहीं क्या महसूस करने लगते हैं, उदास हो जाते हैं, सारे पौधे उदास हो जाते हैं, जैसे मेरे पौधे उदास हो गए थे कि मेरी मम्मी कहाँ चली गई। हाँ, पौधे भी उदास हो जाते हैं, जैसे हम अपने मम्मी के बगैर उदास हो जाते हैं, इसी तरह पौधे भी उदास हो जाते हैं अपनी मम्मी के बगैर। और एक नज़र मेरे यहाँ देखिए गेंदा,
कितनी अच्छी फ्लावरिंग करे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं। चींटियाँ ने घर बना रखा है, दवा गोली करनी पड़ेगी इनकी, खिलते तो बहुत सुंदर हैं। बीज भी लग गए हैं इसमें, ये पता नहीं क्या है, कलिंदा निकला क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, कलिंदा शायद। ये मूली ग्रो हो गई है। बाय बाय फ्रेंड, लव माय गॉड, लव माय फ्रेंड।